स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर डीके गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर, कोलकाता साइंस केकेएम कॉलेज जमुई, आज आपके लिए बीए पार्ट 3 ऑनर्स पेपर्स 6 के एक महत्वपूर्ण पार्ट पर एक आलेख लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की शक्ति एवं अधिकार। राष्ट्र संघ के अनुभवों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं के मस्तिष्क में यह धारणा उत्पन्न कर दी थी कि समूचे विश्व समुदाय के एक अंदर एक 5 महाशक्तियों का भी समुदाय विद्यमान है, जिनकी मित्रता एवं मैत्री पर ही विश्व की शांति एवं सुरक्षा कायम रह सकती है, और वह है संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा अंग सुरक्षा परिषद। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने विश्व संस्था की संपूर्ण शक्ति सुरक्षा परिषद में निहित कर दी है। महासभा की अपेक्षा सुरक्षा परिषद बहुत ही छोटा सदन है, परंतु उसकी शक्ति महासभा की अपेक्षा बहुत व्यापक है। यदि महासभा मानवता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, तो सुरक्षा परिषद विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका पर अगर महासभा है तो कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को माना जाता है। चार्टर के अंतर्गत शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने की मुख्य जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद को सौंपी गई है। चार्टर के 5वें अध्याय में अनुच्छेद 23 से 32 तक सुरक्षा परिषद के संगठन, कार्य एवं अधिकारों संबंधी नियमों का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार परिषद में मूलतः 5 स्थायी और 6 अस्थायी, कुल 11 सदस्य होते हैं, परंतु सितंबर 1965 के चार्टर में संशोधन द्वारा अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया कि सन 1945 के पश्चात संघ के सदस्यों की संख्या दुगुनी से भी अधिक हो गई और छोटे छोटे सदस्य राज्य सुरक्षा परिषद में अधिक स्थान की मांग करने लगे। तदनुसार महासभा ने निर्णय लिया कि 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 एशियाई अफ्रीकी राज्यों में से, 1 पूर्वी यूरोप में से, 2 दक्षिणी अमेरिका व शेष 2 पश्चिमी यूरोप व अन्य राज्यों से होने चाहिए। इस प्रकार सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 हो गई। चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इसके अस्थायी सदस्य हैं। जब तक सुरक्षा परिषद का अस्तित्व रहेगा, इनकी सदस्यता भी बनी रहेगी। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। जिस देश का वह कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उसे उसी साल पुनः उम्मीदवार होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। 14 नवंबर 1970 के को भारत सहित 19 गुटनिरपेक्ष देशों ने सुरक्षा परिषद की संख्या बढ़ाने हेतु एक प्रस्ताव महासभा में पेश किया। इस प्रस्ताव में मांग की गई कि परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 21 कर दी जाए। गुटनिरपेक्ष देशों का तर्क था कि इससे तीसरी दुनिया को परिषद में समुचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। यह अस्थायी रूप से सत्र में रहती है। इसकी बैठक 14 दिनों में एक बार होती है और यदि आवश्यकता हो, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए, तो इसकी बैठक अल्प सूचना पर, अर्थात 24 घंटे की सूचना पर बुलाई जा सकती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार है तथा इसके प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के सिर्फ एक प्रतिनिधि रहते हैं। अतः इस परिषद की बैठक में अधिक से अधिक 15 सदस्य उपस्थित होते हैं, जिसे गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करने और निर्णय देने की सुविधा होती है। अन्य सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने के लिए 9 सकारात्मक मतों के साथ यह भी आवश्यक है कि 5 स्थायी सदस्य भी उस निर्णय से सहमत हों। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य को सभी महत्वपूर्ण विषयों में निषेधाधिकार वीटो प्राप्त है, परंतु साथ ही यह भी नियम है कि झगड़े से संबंधित दल मतदान नहीं करता। यदि कभी
सुरक्षा परिषद में ऐसे विषय पर विचार होता है जिससे संयुक्त राष्ट्र के किसी ऐसे सदस्य राज्य के विशेष हितों पर प्रभाव पड़ता हो जो सुरक्षा परिषद का सदस्य न हो, तब वह राज्य सुरक्षा परिषद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। सुरक्षा परिषद के कार्य एवं शक्तियाँ प्रमुख रूप से विश्व शांति एवं सुरक्षा परिषद का कार्य क्षेत्र है। सुरक्षा परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले बहुत से संगठनात्मक विषयों में से बाध्यकारी अधिकार प्राप्त हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 24 के अनुसार सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना है। इसलिए सुरक्षा परिषद किसी विवाद या शांति के लिए उत्पन्न खतरे पर विचार कर सकती है और समस्याओं को निपटारे के लिए सिफारिश कर सकती है। दूसरा, सुरक्षा परिषद को यह निश्चित तय करना होता है कि खतरे की स्थिति विद्यमान है या नहीं। इस प्रकार के निश्चय के पश्चात सुरक्षा परिषद आवश्यक कार्यवाही की सिफारिश कर सकती है। तीसरा, सुरक्षा परिषद को किसी ऐसे विवाद या स्थिति की जांच करने का अधिकार है जिससे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष उत्पन्न होने का खतरा मंडरा रहा हो। चौथा, सुरक्षा परिषद को राज्यों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समझौता तथा संधियों के लिए सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है। पांचवा, सुरक्षा परिषद आक्रमण कार्य के विरुद्ध शांतिपूर्ण उपायों के कारगर न होने पर सैनिक कार्यवाही कर सकती है। चार्टर के अनुच्छेद 43 के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग देने के लिए सुरक्षा परिषद की मांग पर विशेष सशस्त्र सेनाएं सहायता तथा सुविधाएं प्रस्तुत करने का वचन देते हैं। छठा, सुरक्षा परिषद को यह भी सिफारिश करने का अधिकार है कि आक्रमण की रोकथाम के लिए आर्थिक तथा राजनीतिक प्रतिबंध लगाए जाएं। सुरक्षा परिषद के सदस्य राज्यों से इन उपायों को लागू करने की मांग कर सकता है। सतमा, हथियारबंदी नियमन करने के लिए योजनाएं तैयार करने की जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद की है। यूएनओ के चार्टर के अध्याय आर्टिकल के अंतर्गत स्थानीय विवादों के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद प्रादेशिक संगठनों को प्रोत्साहित करेगी तथा उनकी सहायता करेगी। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद नए सदस्यों को प्रवेश देने, सदस्यों के निलंबन करने तथा निष्कासित करने की सिफारिश करती है। सुरक्षा परिषद ही महासचिव की नियुक्ति की सिफारिश करती है। सुरक्षा परिषद के विशेषाधिकार या वीटो संबंधी शक्तियाँ। सुरक्षा परिषद का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार इसको वीटो संबंधी अधिकार है। सुरक्षा परिषद के 5 महान अस्थायी सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त है उसे ही वीटो कहते हैं। चार्टर की 26वीं धारा के अनुसार परिषद के सदस्य के प्रत्येक सदस्य को यह वोट देने का को एक वोट देने का अधिकार है, लेकिन विषय के आधार पर 2 प्रकार से मतदान कराया जाता है, साधारण और असाधारण। साधारण बातों में परिषद के कार्यक्रम संबंधी बातें आती हैं, उन पर किन्हीं 9 सदस्यों के सकारात्मक वोट आने पर स्वीकृत समझा जाता है। अन्य मामलों में कम से कम 9 सदस्यों को सकारात्मक वोटों में 5 अस्थायी सदस्यों का वोट आवश्यक है। इन 5 अस्थायी सदस्यों में से यदि कोई भी अपनी असहमति प्रकट करता है तो वह प्रस्ताव अस्वीकृत समझा जाएगा, और यदि कोई महान राज्य वोट न दे तो वह वीटो नहीं समझा जाता। इस तरह सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण निर्णयों पर इन 5 महान राज्यों की सहमति आवश्यक है। यदि परिषद का कोई भी सदस्य, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, किसी झगड़े से संबद्ध हो तो वह मतदान में भाग नहीं ले सकता। सुरक्षा परिषद की आलोचना या महत्व कम होने के कारण
अनेक आलोचकों के अनुसार सुरक्षा परिषद अपने सामूहिक सुरक्षा के कार्य में असफल हो गई है और इस असफलता का प्रधान कारण महाशक्तियों का निषेधाधिकार वीटो है। ऐसे व्यवस्था के रक्त में ही पक्षाघात के कीटाणु होते हैं। यह उस कार के समान है जिसका स्टार्टर किसी भी समय उसकी यंत्र व्यवस्था में गड़बड़ करके उसके इंजन को रोक सकता है। सुरक्षा परिषद के महत्व में गिरावट आने के अनेक कारण हैं, उनमें से प्रमुख ये हैं। वीटो की व्यवस्था के कारण सुरक्षा परिषद में बड़े राष्ट्रों का आधिपत्य सा हो गया है और बहुमत का कोई महत्व नहीं रह गया है। वीटो के प्रयोग से सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य, अस्थायी सदस्य, किसी भी कार्यवाही को विफल कर सकता है और विश्व लोकमत की उपेक्षा कर सकता है। वीटो महाशक्तियों की निरंकुशता और स्वच्छंदता का परिणाम है। उसे महाशक्तियों ने अपने शक्ति के बल पर अन्य सदस्यों पर लाद दिया है, क्योंकि कोई भी महाशक्ति वीटो की अनुपस्थिति में संघ का सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं थी। वीटो की तुलना ऐसी शादी से की गई है जो बंदूक के बल पर की गई है। महाशक्तियों ने वीटो का दुरुपयोग किया है। वीटो के कारण सुरक्षा परिषद शक्ति, शांति और सुरक्षा की व्यवस्था के अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में असमर्थ हो गई। वीटो के प्रयोग ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया है। अब राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए नाटो, सीटो, सेंटो आदि प्रादेशिक सुरक्षा संगठनों की रचना करने लगे हैं। सन 1946 में फिलीपींस के प्रतिनिधि ने तो यहाँ तक कहा था कि वीटो एक फ्रैंकेस्टीन दैत्य है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी व्यवहारिक कार्यवाहियों को रोक देता है। यदि कोई प्रस्ताव किसी महाशक्ति के विरोध के बावजूद पारित हो जाता है तो लागू करने का भी कोई उपाय नहीं है। उपयुक्त रचनाओं के बावजूद सुरक्षा परिषद के महत्व कम नहीं है। सुरक्षा परिषद ने कई अवसरों पर विश्व युद्ध की संभावना को टाली है। वीटो द्वारा कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में सफलता मिली है। सुरक्षा परिषद का महत्व इसलिए भी कम नहीं हो सकता क्योंकि पांचों महाशक्तियों का इसमें प्रतिनिधित्व है और वर्तमान समय में विश्व के किसी भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए पांचों का सहयोग आवश्यक है। धन्यवाद।